अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी की जानी बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारी बिरयानी के इन्ग्रीडियंट्स हैं, जिसमें मैंने दो बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं, 3 अदद टमाटर ले लिए हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं, 5 से 6 अदद आलू बुखारे ले लिए हैं, और ये थोड़ी सी इमली ले ली है, 1 पैकेट बिरयानी मसाले का ले लिया है, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 से 3 अदद ये तेज़ पत्ते हैं, और उसके अलावा ये मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप दही ले लिया है, और 1 kg चिकन, और इसके साथ मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, और जिसको मैंने पहले से भिगो के रख लिया। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अपने जो हमने पतीला लिया उसमें वो ऑयल ऐड कर देते हैं। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो गया। आपने ये मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपकी बिरयानी में वो बात नहीं रहेगी, अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई। वैसे मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है, आप लोगों को अगर पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम अपनी प्याज को लाइट ब्राउन कर लेते हैं पहले हाई फ्लेम पे। तो जी ये देखें हमारी प्याज पकने शुरू हो गई है, ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी ये देखें हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ये देखें। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें जो हमने चिकन लिया था वो ऐड कर देंगे इसमें, और इसको अब हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम इसे हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारा चिकन नीचे ना लगे, और इसको थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें अपना जो लहसुन अदरक का वो शामिल कर देंगे। तो जी ये देखें हमारे चिकन का भी कलर चेंज हो गया थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
जी हमारे लहसुन अदरक का भी हो गया, अब हम इसमें अपने खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो जी आप मेरी ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को भी ज़रूर ये खिलाइएगा। अब हम इसे थोड़ा पकने देते हैं। तो जी ये देखें हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ये देखें। अब हम इसमें अपने जो टमाटर और मिर्ची हैं वो ऐड कर देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके भी चिकन के साथ भुनाई कर लेते हैं। और मैंने अभी ये रुमाल ले लिया क्योंकि जो पहले मैंने वीडियो की थी बनाई थी जो रेसिपी उसमें मेरा हाथ जल गया था, तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रुमाल ले लिया ताकि दोबारा ना जले। आप लोग भी ऐसे जब कुकिंग करते हैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखा करें। तो इसकी अच्छी तरह से हम बुनाई कर लेंगे। ये देखें मुझे तो अभी से ही खुशबू आने लग गई है, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी से खा दूँ लेकिन अभी तैयार ही नहीं हुई। तो अब मैं इसमें जो बिरयानी मसाला लिया था वो ऐड कर दूँगी। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना और नीचे भी ना लगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। और अब हमने जो अपने आलू बुखारे लिए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ से तेल आते लगेंगे, देखेंगे कि हमारा मसाला नीचे तो नहीं लगता। और जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें फिर अपनी दही ऐड कर देंगे। चलिए अब हम इसकी अच्छी बुनाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी व्यूअर्स ये देखें हमारा कोरमा रेडी हो गया, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो चावल लिए थे तो उसमें मैं 5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ।
आप अपने जोन से चावल लेंगे, मेरे कच्चे बासमती के चावल हैं इसीलिए, और मैंने उन्हें तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखा था, तो उसमें मैं 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपके चावल जैसे हों, क्योंकि कुछ चावल होते हैं जो ज़्यादा पानी में पकते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़ा पानी लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको पानी ऐड कर देंगे। और इसमें एक उबाला आने के बाद तो जी ये देखिए हमने इसमें अपना पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे एक उबाल आने के बाद आपसे मिलते हैं। तो जी हमने अपने इसमें चावल ऐड कर दिए थे, अब हम खोल के देखते हैं। ये देखें अब हम इसमें अपना थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे ताकि हमारी बिरयानी का कलर अच्छा आ जाए। और इसमें हम ये जो इमली थी हमारी वो भी ऐड कर देंगे। और अब यह हमारी बिरयानी तैयार हो गई, बस अब हम इसे अब दम पे रख देते हैं। दम के लिए हमारी बिरयानी तैयार है। तो देखिए हमने इसे दम पे रख दिया, अब इसे हम 5-10 से 12 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे और फिर देखेंगे हमारे चावल हो गए हैं या नहीं। तो जी व्यूअर्स, अब हम अपनी बिरयानी को खोल कर देखते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी और प्यारी सी खूबसूरत सी लग रही है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट के बाद खोल कर देख लिया था, तो उसमें थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने 2 मिनट के लिए और दम पर रख दिया था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, देखें। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। ये देखिए, तो जी व्यूअर्स ये देखें हमने अपनी बिरयानी को डिश आउट कर लिया है, और देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी और प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है, और इसकी लुक भी कितनी प्यारी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।